उनको इलाहाबाद में हरियाणा के अंदर दवाई दी। जिस विधायक ने इस्तीफा दिया था संयुक्त मोर्चे के नाम पे, उसकी बड़ी जीत इलाहाबाद में होगी। और उस बॉर्डर की तरफ आपने आंख उठाने की भी देखने की जरूरत करी। यह आंदोलन जब तक कानून वापसी नहीं होगा, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। गलत फहमी में मत रहना। तुम्हारा इलाज बंगाल के अंदर करा, जो दवाई देनी थी वो बंगाल के अंदर तुमको दवाई दी। तुमको इलाहाबाद में हरियाणा के अंदर दवाई दी। इलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी भारी वोटू से वहां पे, जिस विधायक ने इस्तीफा दिया था संयुक्त मोर्चे के नाम पे, उसकी बड़ी जीत इलाहाबाद में होगी। हरियाणा के अंदर तुम्हें जहां जहां जरूरत होगी, ये किसान संगठन, ये मजदूर देश का, तुम्हें दवाई देने का काम करेगा। ये गुंडागर्दी की सरकार जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म करा है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकारी बंदूक का इस्तेमाल आपने किया है, ये आने वाले टाइम पे नहीं होगा। जिस तरह से जिला पंचायत में आपने किया, वो देश और दुनिया की जनता ने देखा। यही ये लोग जो आने वाले विधानसभा होंगे उसमें करना चाहते हैं। तो आप लोग तैयार रहना, दवाई इनको देनी पड़ेगी। बगैर दवाई के इनका कोई इलाज नहीं है। ये बार बार कहते हैं कि रास्ते बंद कर रखे हैं वहां पे। रास्ते बंद भारत सरकार ने किए हैं और हमने कहा कि जब भी रास्ते खुलेंगे 11 महीने के बाद में, सबसे पहले दिल्ली जाने का अधिकार हमारा है। ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब भी आपको दिल्ली की कॉल होगी, इनके बहकावे में, प्रेस के बहकावे में मत आना, मीडिया के बहकावे में मत आना। ये हर रोज आपको बहकाने का काम करेंगे कि बॉर्डर सब खाली हो गए हैं। बॉर्डर कोई खाली नहीं हुआ। बॉर्डर पे आज भी ऐसे कैसे ही लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन आपको बता जाएगा, अपना ट्रैक्टर सामान लेकर वहां पाना, हमने मंडी की तलाश कर ली है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी से बाहर आप कहीं पे भी सामान बेच सकते हो, अपनी फसलों को बेच सकते हो। हमको मंडी मिली, पार्लियामेंट के आसपास, दिल्ली के पार्लियामेंट के आसपास मंडी है। यहाँ के पुलिस स्टेशन मंडियां हैं, यहाँ का डीएम एसएसपी का ऑफिस मंडी है। अगर गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिगरी, अगर उस बॉर्डर की तरफ आपने आंख उठाने की भी देखने की जरूरत करी, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूरे पंजाब, पूरे देश भर के थाने, डीएम, डीसी, एसपी के ऑफिस, वहां पे किसान अपना माल लेकर जाएगा। जरूरत नहीं करना, अगर हमारा एक झंडा, एक कार्यकर्ता भी वहां पे है, तो पूरे देश का किसान गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिगरी, उन बॉर्डर पर बैठा हुआ है।